दुनिया की कोई चीज़ मायने नहीं रखती, सिर्फ आप मायने रखते हैं, एटलीस्ट आपके लिए। आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार, आपके अपने, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके की गर्लफ्रेंड, आपका दोस्त आपके लिए बहुत मायने रखता है, या आप उनके लिए बहुत मायने रखते हैं? सच है, पर तब तक जब तक आप सामर्थ्यवान हैं, जब तक आप में कुछ है देने लायक, क्योंकि ये संसार ज़रूरतों के नियम पर चलता है। ज़रूरत ख़त्म, रिश्ते ख़त्म। कैसे? अच्छे से समझाऊंगा, नेगेटिव वे पे नहीं है, पॉजिटिव वे पे लेके जाना है इस बात को। नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। तो हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय आपके, इसलिए अपने आप पे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी हेल्थ पे और अपनी ग्रोथ पे, दो ही चीज़, हेल्थ और ग्रोथ। अगर आपने मेहनत खुद पर नहीं की, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ खास नहीं किया, ज़िंदगी में अच्छा नहीं किया, तो आपके बच्चे तक आपकी इज्जत नहीं करेंगे, पत्नी तो बहुत दूर की बात है, आपके माँ बाप आपको हमेशा कोसते रहेंगे। सच है, मैं एकदम रियलिटी वाली बात कह रहा हूँ भाई। उस घर में मर्द की इज्जत नहीं होती जिस घर में मर्द अच्छा काम नहीं कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पैसे कमा कर नहीं ला रहा है। उस घर में ऐसे लोगों की इज्जत नहीं होती जो रोज़ बीमार पड़ते रहते, जिनका स्वास्थ्य सेहत अच्छा नहीं होता है। चलो ठीक है, स्वास्थ्य सेहत तो प्यार मोहब्बत में समझ भी जाएगा, लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ाई पे, अपने गोल्स पे, अपने वर्क पे, अपने धंधे पे, अपनी नौकरी पे, जिस चीज़ को भी आपने अपना बना रखा था, आपने एक एज तक अपना वो गोल हासिल नहीं किया, नहीं कर पाए, तो घर में इज्जत नहीं मिलती है भाई। क्या करना चाहिए? आज से, अभी से सबसे पहला काम है अपने हेल्थ पे काम करना शुरू कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे हेल्थ के 5 पिलर्स होते हैं, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। अपने हेल्थ पे काम कीजिए, फिलहाल सबसे पहले अपने फिज़िकल हेल्थ पे काम कीजिए। अभी फिज़िकल हेल्थ पे काम करने का मतलब क्या है? ठीक है, आप चाय पीते हो, दिन में एक चाय या दो चाय पीते हो, हालांकि वो भी छोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि चाय का कोई नीड नहीं है हमारे शरीर में। लेकिन चलो, आप अगर आप चाय पीते भी हो, उसके बाद तीसरा कप किसी ने चाय ऑफ़र किया, या मिठाई ऑफ़र की, या चॉकलेट ऑफ़र किया, तो आप उसे ना कहते हो। ये है आपने अभी अपने हेल्थ पे काम कर लिया, गुड हेल्थ पे काम कर लिया। आप लेट नाइट पार्टीज को अवॉइड करके सोना प्रिफर करते हो, आपने अपने हेल्थ पे काम किया। आप सुबह उठकर मोबाइल चलाने को साइड करके सुबह बिस्तर से उठकर वॉक करने निकलना, ये आपने अपने हेल्थ पे काम कर लिया। आपके छोटे छोटे डिसीजंस जो आपके हेल्थ के लिए होते हैं, वही आपके ग्रोथ के लिए भी होते हैं। हमें लगता है कि ये सब चीज़ से क्या ही करना है, मॉर्निंग का, सुबह का पहला 20 मिनट और रात को सोने का आखिरी 10 मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। आप जो अपने लिए कर रहे हो, वही दूसरों के लिए होगा। कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों को इम्पोर्टेंस ना दे करके अपने आप को इम्पोर्टेंट दे कर दीजिए, और अपने हेल्थ पर, अपने ग्रोथ पर काम कीजिए। कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, कभी कभी रिश्ते निभाने पड़ते हैं, खासकर तब जब कोई नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव हालात किसी के ऊपर आ गए। उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप हमेशा अपने अपने सेल्फ को छोड़ करके, सेल्फलेस होकर के दूसरों की मदद करते रहेंगे, दूसरों के लिए काम करते रहेंगे, दूसरे की खुशी के लिए लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, कूटते रहेंगे, आप अपना सब कुछ छोड़ के, त्याग करके किसी और के लिए अगर करते रहेंगे, तो याद रखना, जिस दिन आप करने योग्य नहीं रहेंगे, या आप के करने का सब कुछ ख़त्म हो चुका रहेगा, उस इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी, उस दिन वो चला जाएगा, वो अपने रास्ते निकल जाएगा, क्योंकि अब उसे आपकी ज़रूरत नहीं, किसी और की ज़रूरत है। तो हमेशा पहले खुद को, सेल्फ लव इसे ही कहते हैं, अपने आप को इतना भरो कि वो जब छलके तो किसी और को मिल जाए, तभी मिलेगा ना। एक अगर आप इतना बड़ा एक मटका हो और अपने आप को जब आप पूरा भर लोगे, फिर वो छलकेगा ही, क्योंकि जितना वो भरेगा उसका सामर्थ्य और बढ़ेगा, और सामर्थ्य बढ़ेगा तो
भरने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, वो छलकेगा तो आप एक को कई लोगों को दे पाओगे। लेकिन अगर आपका मटका खुद का भरा ही नहीं है तो अपना काट के कितना ही दे लोगे, एक टाइम के बाद मटका सूख जाएगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है लाइफ का कि पहले खुद के लिए, फिर दूसरों के लिए। आशा करता हूँ ये बहुत कठिन अध्याय है, अंदर लेट से घुसेगी, लेकिन ये वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बुरा हो जाएगा जिसे आम भाषा में कटना कहते हैं, तब समझ में आएगी ये बात। फिलहाल के लिए नमस्ते। अंदर लेट से घुसेगी लेकिन ये वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बुरा हो जाएगा जिसे आम भाषा में कटना कहते हैं, तब समझ में आएगी ये बात।